नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। जैसे डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद औरत को दी जाती है, वही वाली पंजीरी बना रही हूँ मैं। और कई लड्डू भी बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे भी पंजीरी बनाते हैं, जिस तरीके से भी गाँव में पंजीरी बनाई जाती है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी फ़ायदेमंद होती है इसमें, जो भी एक तरह से दवाई लगा लीजिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद जैसे ये दी जाती है ना, तो ये एक तरह से दवाई ही है। और हमारे यहाँ पे बच्चा होने के बाद जरूर दी जाती है। हाँ, अगर बच्चा सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो थोड़ा लेट दिया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फिर साथ के साथ ही बना देते हैं यहाँ पे। तो मैं आज भाभी के लिए बना रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरा डेली का जो व्लॉग है, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं आया है, क्योंकि थोड़ी मजबूरी थी, नहीं बना सकी, टाइम ही नहीं मिला बनाने का, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आशा करती हूँ अपना साथ और प्यार बनाए रखेंगे जी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं पंजीरी बनाऊंगी, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबका अपना तरीका होता है बनाने का, तो जो हमारा तरीका है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं जी। यहाँ पे देखिए, हमने बादाम ले लिए हैं और ये ली है हरड़। हरड़ को मैंने थोड़ा मोटा सा पहले कूट लिया है, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में निकालना है। और साथ ही ले लिए यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश और कमरकस, जितने भी सामान डलते हैं, क्योंकि बोलना पड़ता है जो पंसारी होते हैं कि भाई हमें पंजीरी बनानी है, तो उसका सामान दे दीजिए। तो घी के हिसाब से होता है, आप 1 किलो घी के साथ बना रहे हो, 2 किलो के साथ बना रहे हो, या 4 किलो के साथ बना रहे हो, तो उसके हिसाब से वो अपने आप ही सामान दे देते हैं। बस उन्हें बताना पड़ता है कि भाई इतने किलो घी का सामान दे दो। तो यहाँ पर मैं 2 किलो घी के हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान है पहले मैं निकाल लूँगी। पहले मैंने एक बार इन्हें देख लिया, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ ना कुछ कंकर वगैरह कोई भी चीज़ होती है, तो वो मैंने एक बार इसमें हाथ मार लिया है, देख लिया है। और साथ ही अब मैं इन्हें भून रही हूँ हल्का हल्का धीमी आंच पर। तो पहले यहाँ पे मैंने घी डाला था थोड़ा सा, और उसमें डाल दिए थे मखाने। तो मखानों को मैंने पहले हल्का सा भूना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अजवाइन और सोया डाला है, और उसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने गोंद। तो गोंद को भी मैं भून लूँगी। उससे क्या होता है कि ये फूल जाता है और फिर पीसने में आसानी रहती है, तो किलकिल सी नहीं रहती है, जैसे हम चबाते हैं ना तो किलकिल सी आती है, वो नहीं रहती है अगर हम ऐसे भून कर डालते हैं। तो यहाँ पे सोया अजवाइन हो गई है और मखाने भी हो गए हैं, तो यहाँ पे भी डाल रही हूँ मैं बादाम। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वाला तरीका आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। तो वैसे तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसा भी पता है, जो भी जिस तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी जैसे हम सर्दियों में काफ़ी बार लड्डू वगैरह बनाते हैं, पंजीरी वगैरह बनाते हैं, तो उसी के हिसाब से बना रही हूँ। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा सामान डलता है, एक तरह से दवाई होती है ये लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे बस यहाँ जो हमने बादाम है उसे भी भून लिया है धीमी आंच पर, और इसमें ही मैंने काजू डाल दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने भून लिया है, और अब डाल दिया है मैंने कढ़ाई में घी। घी गर्म होने देते हैं, और साथ के साथ इसमें डाल देंगे हम गेहूं का आटा, वो भी घी के हिसाब से ही डालेंगे हम। तो जी, यहाँ पर हमने आटा डाल दिया है, और अब हमें धीमी आँच पर भूनना है इसे 20 से 25 मिनट के लिए। आँच बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि फिर आटा जलने का डर रहता है, तो इसलिए इसे हमें धीमी आँच पर ही भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके साथ के साथ ही हम जो भी हमारा सामान है, काजू, बादाम वगैरह, सोया, अजवाइन, जितना भी सामान इसमें डलेगा, उसे भी साथ के साथ ही पीस लेंगे हम। तो जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन भूनते हुए, लेकिन अभी तक ये आटा नहीं भुना है, क्योंकि हमने आँच को धीमी कर रखा है, तेज़ आँच करेंगे तो फिर जल जाएगा ये। और इसका एक और तरीका होता है, जब भी आटा घी छोड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आटा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अभी 5 से 7 मिनट के लिए और भुनना है, और यहाँ पे देखिए, 5-7 मिनट में ही जो घी है वो हमारा ऊपर आ चुका है, आटा जो है वो घी छोड़ चुका है। तो अब इसमें हमें और सामान डालना है, जो भी हमने सामान पीस कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी सामान था उसे बारीक पीस लिया है हमने, और यहाँ पे गोला भी कस लिया है, और अजवाइन, सोया, जो भी है सभी चीज़ों को किसी को बारीक पीसा है, और यहाँ पे काजू बादाम को थोड़ा दरदरा पीसा है, बाकी सारा सामान हमने बारीक ही बिल्कुल पाउडर किया है। और किशमिश वगैरह साबुत ही डालेंगे, जो भी सामान है यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है हमने साथ के साथ ही, और आटा भी हमारा भुन चुका है, बस आटे में इसे डालना है। हम सब चीज़ों को आटे में डाल देते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो जितना भी सामान है वो मैं आटे में डाल दूँगी। और बहुत ही बढ़िया तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
कोई भी बना सकता है आसानी से, और ज़रूरी नहीं है कि ये भाई बच्चा होने के बाद ही दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। औरत कभी भी खा सकती है, क्योंकि जो हम औरतें हैं ना, हमारे अंदर जो कमज़ोरी होती है उन कमियों को ये पूरा करती है, काफ़ी कमियां हो जाती हैं बच्चा होने के बाद औरत के शरीर में, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और ख़ासकर सर्दियों में अगर इसे खाया जाए तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, ये एक तरह से दवाई ही होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को इसे मिक्स कर लिया है, अब चाहे इसके लड्डू बना सकते हैं, चाहे पंजीरी ऐसे भी खा सकते हैं दूध के साथ ही। तो यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे हम इसे, और इसमें जितना भी सामान है वो सभी डाल देंगे, और इन सारे सामान को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें सबसे बाद में डलेगा मीठा, तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जितनी भी दवाइयां हैं ये। और बहुत ही बढ़िया दवाई है एक तरह से औरत के लिए। तो यहाँ पे हरड़ को भी मैंने डाल दिया है, उसका भी बिल्कुल बारीक पेस्ट किया था। तो जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं लड्डू बनाते हैं पंजीरी बनाते हैं, तो उसमें इतना सामान नहीं डलता है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने काजू बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दी, और साथ के साथ ही हमने गोला कस करके डाल दिया, तो भी वही चीज़ें डलती हैं। लेकिन जो ये चीज़ होती है, ये होती है एक तरह से दवाई बच्चा होने के बाद जो औरत को दी जाती है। तो बस यहाँ पे दवाई हमारी बनकर तैयार है। इसमें जो भी सामान था सारा हमने डाल दिया है। घी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कई ज़्यादा घी वाला पसंद करते हैं, तो भाभी जो मेरी हैं वो कम घी वाला पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने घी कम डलवाया है। वैसे अगर आप इसमें घी और ज़्यादा डाल देंगे तो ये थोड़ा और जैसे हलवा होता है वैसे हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा ये खुशखुशा रखना है जो होता है ना, जैसे घी में एक तरह से लिपटा हुआ नहीं रखना है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छी तरह से जिसमें दवाइयाँ थी जो वो सारी मिक्स हो चुकी हैं, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए उतार देती हूँ गैस के ऊपर से, क्योंकि गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देना है हमें, क्योंकि इसमें मिलाना है हमें मीठा, और मीठे में मिलाएंगे हम इसमें खंड, शक्कर भी मिला सकते हैं और बूरा भी मिला सकते हैं, लेकिन जो ये दवाई है इसमें खंड डलती है, तो यहाँ पे खंड भी मिला दी है हमने। और अब इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं इसमें कई दवाई ऐसी भी होती हैं जो कड़वी कड़वी होती हैं, तो इसलिए इसमें हमने खंड डाल दिया है, मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पंजीरी दावड़ा बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, तो वो बन चुका है और इसे कर दिया है हमने पैक। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वाला तरीका किस किस को आता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।